ओम शांति। ओम शांति। अब नेक्स्ट है, सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्माचारी हो। ब्रह्माचारी, ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, जो बाबा ने किया वही हमें करना है। बाबा ने हमें किस चीज के लिए अपना बनाया है? देखें, बाबा ने हमें अपना क्यों बनाया है? बाबा की सबसे पहले दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? बाबा ने किसको पसंद किया? बाबा ने हमें पसंद किया ना, तो अंदर में चिंतन करेंगे कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, तो अब हमें वो नहीं सोचना है जो दुनिया की आत्माएं सोचती हैं, अब हमें वो नहीं बोलना है जो दुनिया की आत्माएं बोलती हैं, अब हमें वो नहीं देखना है जो दुनिया की आत्माएं देखती हैं, अब हमें वो नहीं करना है जो दुनिया की आत्माएं करती हैं, अब हमें वो करना है जिसके लिए बाबा ने मुझे अपना बनाया है। तो आप चिंतन करेंगे, किस चीज के लिए बाबा ने आपको अपना बनाया है? किस चीज के लिए बाबा ने आपको अपना बनाया है? हाँ, तो बाबा का कार है पवित्र दुनिया की स्थापना करना, तो हमारा भी वही कार है पवित्र दुनिया की स्थापना करना। बाबा का कार है इस सृष्टि पर दैवी धर्म की स्थापना करना, तो हमारा भी कार्य है दैवी धर्म की स्थापना करना। तो रोज सुबह आँख खुलते ही ये आप संकल्प करें कि जैसे बाबा अवतरित होते हैं ऐसे बाबा की तरह मैं भी अवतार हूँ, मेरा इस देह और देह की दुनिया में अवतार हुआ है दैवी सृष्टि की स्थापना के लिए, इसलिए मेरे द्वारा कोई भी अधर्म का कार्य नहीं हो सकता। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं सारे दिन में कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ब्रह्माचारी बन करके रहना, बस उसके लिए आंख बंद करके जो बाबा ने किया बस वही करते जाना है, वैसे ही चलते जाना है, और कुछ ज्यादा सोचने की समझने जानने की जरूरत नहीं, बस जो बाबा ने किया। हाँ, हमारे सामने बाबा मिसाल है ना, बाबा कहते बच्चे किसी दूसरे को और देखने की आदत ही है तो मैं बैठा हूं ना, बाबा कहते मैं बैठा हूं ना, मुझे देखो, अगर आपको देखने की आदत ही पड़ गई है तो मैं सर्वगुण संपन्न, बाबा सर्वगुण संपन्न बैठे हैं, मैं बाबा को ना देख करके जिसके अंदर कमी कमजोरी उसको देखता हूं। और ये अटल नियम है कि जो कुछ हम दूसरों में आ जाता है, बाबा को देखेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा? सारी अच्छाएं गुण विशेषताएं, और दूसरों को देखेंगे तो वो आएगा। तो हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है? याद है बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि पुरुषार्थ जो ढीला होता है वो ढीला होने का एक जो विशेष कारण होता है वो यही कि दूसरों को देखना, दूसरों को हम देखने लगते हैं। और दूसरों के ऊपर किसके ऊपर नजर जाती है? जो अपने से बड़े होते हैं।
और हम क्या कहते हैं, अरे अभी हम तो नए नए आए हैं, हमने तो देख लिया इतने साल के पुराने ये भी ऐसा करते हैं, इनको भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी, हाँ ये भी ऐसे ऐसे हम देख लेते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में एक रहस्य की बात बताई कि क्यों नहीं दूसरों को देखना है। बाबा ने कहा अच्छा तुमने देखा किसी की कोई कमी कमजोरी देखा, हाँ अपने से बड़ों का ही देखा हमने, भाई ये महारथी ये इतने पुराने ये भी ऐसा करते हैं, मैंने देखा। अच्छा फिर बाबा ने कहा उसने जो त्याग किया है, तपस्या किया है, सेवा किया है, वो तो आपने, क्योंकि अभी नए नए आए हैं। तो बाबा ने उसमें रहस्य क्या बताया कि अंत में जब रिजल्ट आउट होगा तो उसका जो जमा का खाता है त्याग तपस्या सेवा के आधार से, उसका बहुत सारा जमा है, उस जमा के आधार से वो पास हो जाएगा और हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई जमा का खाता है ही नहीं है। तो कभी बड़े बड़े ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, मेहनत की है, तभी आज इतने मंजिल पर वो पहुंचे हैं, इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। इसलिए बाबा ने कहा किसी को ना देख करके स्वयं को देखो और बाबा को देखो। बाबा ने क्या क्या किया वो देखो। आज हमारे साल हमारे सामने तो बाबा मम्मा, लेकिन बाबा के सामने कोई था? बाबा का निश्चय देखो, बाबा का त्याग देखो, बाबा का। मनोहर दादी सुनाया करती थी कि एक समय यज्ञ में ऐसा भी आया कि बेगरी पाठ आया कि सुबह है तो दोपहर के लिए नहीं है कुछ खाने का, दोपहर में है तो शाम को नहीं है। और जब वो समय आया तो लोग यज्ञ छोड़ छोड़ करके जाने लगे। उस समय छोटे छोटे वो बच्चे ही थे, वो कन्याएं बहनें थी विशेष करके, उन्होंने सोचा हमारा इतना बड़ा जीवन इतना बड़ा भविष्य क्या होगा कैसे होगा, यहाँ तो अभी सुबह के लिए तो दोपहर में नहीं है, दोपहर में है तो शाम के लिए नहीं है, हाँ कैसे चलेगा जीवन। और उन्हें संशय आया और छोड़ करके चले गए। तो हम जब अब उनसे पूछते दादी तो जब लोग यज्ञ छोड़ छोड़ करके जाने लगे तो आपके अंदर ऐसा क्या निश्चय था जो आप यज्ञ में लगे रहे डटे रहे और आपको संशय नहीं आया? तो दादी ने क्या बात कही, कहा मुझे निश्चय था कि हमने भगवान का हाथ पकड़ के रखा है और किसी मनुष्य का नहीं। और कहा मैंने यह भी सोच लिया था कि यज्ञ में कुछ नहीं रहेगा, हम घास की रोटियां बना के खा लेंगे, पेड़ के पत्ते खा करके रह लेंगे, लेकिन यज्ञ छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। और वो निश्चय आज उनको सारे विश्व में, भविष्य की तो बात छोड़ दो, वर्तमान में भी क्या बना दिया, सारे विश्व की दादी माँ बन गई। जहां जाती हैं वो देवी के रूप में उनकी पूजा होती है, पूजनीय बन गई। और वो जो छोड़ करके चले, क्योंकि बाबा ने कहा ना मुरली में कि कहां जाएंगे, स्थान तो एक ही है, चारों तरफ से चक्कर लगा करके यही आना है, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में है ना। अब वो आती हैं और देखती हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहते हैं कि अरे इन्हीं के साथ तो हम भी ज्ञान में चले थे, इन्हीं के साथ हम भी ज्ञान में चले थे, आज ये सारे विश्व की दादी मां बन गई और बन के रह गई, हाँ जाकर शादी किए है ना। तुमको बहुत पश्चाताप होता, उनके आंसू आ जाता है, काश उस समय मुझे कोई समझाने वाला मिल जाता, बताने वाला मिल जाता, निश्चय दिलाने वाला मिल जाता, मुझे संशय आया और हम छोड़ के चले गए, उस समय यदि मुझे सद्बुद्धि आ जाती तो आज इनकी तरह हम भी होते।
तो हमारे सामने अनेक उदाहरण मूर्त हैं, फिर भी हमारा निश्चय हिल जाता है, और उनके सामने कोई भी उदाहरण नहीं, कोई भी एग्जाम्पल नहीं, फिर भी वो निश्चय बुद्धि बन करके रहे। तो हमें क्या करना है? निश्चय बुद्धि। बस बाबा, जब हमें पता चल गया कि सत्य क्या है असत्य क्या है, मैं आपको बताऊं अपने दिल की बात, कई बार मेरे मन में तो ये बात आती है और ये बात सोचकर मैं बहुत खुश हो जाता हूं। क्या बात? कितनी सारी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं किस संस्था से जुड़ा हूं? किस संस्था से जुड़ा हूं? हाँ, जो स्वयं जहां पर भगवान आकर के पढ़ाते हैं, जहां पर मनुष्य को देवता बनाया जाता है। और कोई भी संस्था होगा, कोई गुरु विद्वान पंडित आचार्य महामंडलेश्वर ही तो होगा, और आपके संस्था में जहां पर रोज स्वयं भगवान आकर के पढ़ाई आपको पढ़ाते हैं, तो कितना ऊंचा हमारा भाग्य है।